हाय गुड मॉर्निंग। सो जैसा कि अब हम बस गोवा की तरफ मैं निकल रहा हूँ, और निकलने से पहले ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो आपको धीरे धीरे नज़र आएगा, क्योंकि हम जानबूझ के मैंने काम नहीं बताते हैं, क्योंकि फिर से गार्ड वगैरह पुलिस वाले तंग करते हैं और हमारा रहता है कि हम उनसे बचे, गार्ड हमारे पास हाजिर है। ये जो रोड आपको जा रही है ये पुणे सतारा कोल्हापुर जाती है। अब हम निकलेंगे अपने रास्ते में। हाँ जा रहे बस, वो ऐसी ब्लॉगर है ना, तो वही देखिए सिक्योरिटी गार्ड आया था, तो इसलिए हमने तो बाबा बोलते हैं कि हम कोशिश करते हैं अंदर बनाने में, बहुत परमिशन लेनी पड़ती है। गाड़ी का राउंड मार के आया मैं, सुबह का टाइम था, और ये एक्चुअली भारतीय विद्यापीठ आप जानते हो एक बड़ी मशहूर पुरानी डीम यूनिवर्सिटी है, तो इस बिल्डिंग के अंदर दुनिया भर के कोर्स होते हैं। और भाई आपको बड़ा गेट नज़र आ रहा है, और उस तरफ पीछे की तरफ आपको भारतीय अस्पताल और भारतीय मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग जो है, ये देखिए सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो भारतीय हॉस्पिटल हो गया, तो वो आपको भारतीय हॉस्पिटल नज़र आ रहा है। और ऑटो रिक्शा वगैरह बहुत खड़े हैं। ये मेन जो रोड है ये फ़िलहाल हम पुणे शहर के अंदर ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम बाहर निकल गए। तो फिर से लोकेशन ग्रेट, पुराना कॉलेज यूजी पीजी सब चलता है, फैकल्टीज़ की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप पुणे शहर में हैं, तो अच्छे टीचर भी आपको मिलते हैं। बजट 1.2 करोड़ है, तो मच लेसर देन डीवाई पाटिल, मोर देन MGM, लेसर देन कृष्णा कराड नाउ। तो क्या चीज़ नेगेटिव है, देखिए पेशेंट फ्लो डेफिनेटली सरकारी वाला तो होगा नहीं, पर अभी अभी मुझे दो बच्चे ही मिले और वही कहते हैं सर 50 से 60 OPD पर डिपार्टमेंट है, तो टोटल आप मान सकते हो 600-700 OPD रहती है, तो हज़ारों में नहीं है, 3000-4000 नहीं है, पर हज़ार के करीब OPD पर डे होगी। तो उतना मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत चलता हुआ अस्पताल है। सो पेशेंट फ्लो इस कैन बी अ स्लाइटली नेगेटिव, उसके अलावा फिर भी स्लाइटली, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मामला बहुत ही ख़राब है जो हम कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में देखते हैं। सो ओवरऑल फिर से ग्रेट ग्रेट लोकेशन, ग्रेट वेदर ऑफ पुणे, ये पुणे में बहुत सर्दी नहीं पड़ती और गर्मी भी नहीं पड़ती, तो आप बिना AC के भी यहाँ गुजारा कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पुणे बेंगलोर आर सपोज टू बी दी एयर कंडीशन सिटीज़ ऑफ इंडिया, मतलब नेचुरल एयर कंडीशनिंग होती है ना, तो एक ज़माने में तो AC होते भी नहीं थे जब मैं पहली बार पुणे आया था, और रहने के लिए भी वुमन सेफ्टी एवरी रिस्पेक्ट में पुणे बेंगलोर दो सबसे इंडिया के शानदार शहर हैं। कि ना तो देखिए दिल्ली में समय क्या है कि ठिठुर वाली सर्दी है, और ये बड़ी अंदर की बात होती है कि इससे भी ना अपनी एफिशिएंसी कम हो जाती है। देखिए आपको पढ़ाई करनी है, आपको 10 बजे तक ठंडी लगती जा रही है, और शाम को 6 बजे, मतलब एक नॉर्थ इंडिया में समय जो दिन है ना वो बस 11 से लेकर 5 बजे तक है, और उसमें भी ठिठुर हो, ठीक है आपको हॉस्टल के अंदर घुस गए लेकिन वो मज़ा नहीं आता। मतलब जो एफिशिएंसी, आज मैं सुबह उठा 6 बजे ही आप तैयार हो, दिल्ली में आप सुबह 10 बजे तक तो ऐसा लगता है कि अभी रजाई से बाहर मत निकलो, तो वो सब ना फ़र्क है, और दैट्स व्हाई पुणे बिकम्स अ ग्रेट ऑप्शन ऑन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। ये बहुत गहरी बात है कि बच्चे ने 4.5 साल जो पढ़ाई करनी है प्लस 1 साल इंटर्नशिप, उस 5.5 साल में हर रोज़ जो आपकी एफिशिएंसी है, क्लास में आप बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो जैकेटें पहन के, स्वेटर पहन के, ग्लव्स पहन के, या बैठे हो खुला डुला, दैट्स व्हाई समटाइम आई लाइक स्पेशली अगर आप पुणे या कोल्हापुर के जो बेल्ट है ना, चाहे वो कृष्णा कराड हो चाहे डीवाई पाटिल कोल्हापुर हो, दे आर ब्लेस्ड विद वेरी ग्रेट वेदर, सो इज़ बेंगलोर कॉलेजेस। बट बस बेंगलोर में थोड़ा सा ये रहता है कि फिर भी वो साउथ इंडियन मसाले, साउथ इंडियन खाना, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और ये वजह है कि हम नॉर्थ इंडियंस के जिसके मार्क्स कम होते हैं वो 125 करोड़ रुपये खर्च करके यहाँ आना पसंद करता है। बट अगेन उन्होंने एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन, अगर आप MMU मौलाना के 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं, देखिए मेरा फेवरेट कॉलेज है वो नॉर्थ का, पर उसमें 1.1 करोड़ रुपये खर्च करना है, या 1.2 भारतीय पुणे, वी शुड गो फॉर भारतीय पुणे, फॉरगेट अबाउट INRF रैंकिंग क्या बोलता है, कल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत शानदार है लोकेशन, बहुत शानदार है, जैसा मैंने कहा आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है पढ़ाई करने के लिए। तो राजस्थान में कुछ कॉलेज में बहुत गर्मी पड़ती है, अभी बहुत सर्दी पड़ती है, सो पुणे का ये फायदा है कि 1.2 करोड़ में हमें भारतीय पुणे मिल रहा है, नो क्वेश्चंस। डीवाई पाटिल कोल्हापुर हम जाएंगे तो जो पूरी रोड है बॉम्बे टू पुणे और पुणे टू कोल्हापुर तक, या इवन JLN बेलागावी तक, एक्सीलेंट वेदर, ना सर्दी ना गर्मी, हमेशा 30-32 टेम्परेचर रहता है, मैक्सिमम 35, और मिनिमम भी 10-12 के नीचे नहीं जाता, 15 के नीचे, तो दोनों साइड पे बहुत मज़े आते हैं। मतलब रात को हम सोए तो भी चादर लेकर ही सोए, तो उसके अलावा गुड, जैसा मैंने कहा कुछ और नेगेटिव बात है नहीं। मेन मैं सोचा कि आपको इस पर्पज़ से पुणे के बारे में बताऊँ, और डीवाई पाटिल पुणे के मुकाबले से काफ़ी बड़ा कैंपस है, और प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है, अंदर ही हॉस्पिटल कॉलेज सब कुछ अंदर ही है, इस बिल्डिंग के राइट साइड पे देख रहे हो, मेन हाईवे के ऊपर है। सो
गुड, और मैं निकलूँगा मैं गोवा की तरफ और कोशिश करके आपको बाकी तीन कॉलेज दिखाएंगे, और फिर तीन दिन का चार दिन का हमारा गोवा स्टे है, और वहाँ से वापस बॉम्बे लागे क्योंकि गाड़ी भी है दिल्ली की तरफ फ्लाई करेंगे। आप जानते ही, हमसे संपर्क करना हो तो 9643362320 पे कॉल कीजिए, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। हमारे MBBS के पैकेजेस का एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ना हम टेलीकॉलिंग कराते, ना हम SMS भेजते, स्टाइल से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और इसीलिए चार्ज लेकर ही बात करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।